आज हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन, थोड़ा इजी मेथड में। वैसे ट्रेडिशनल वे क्या है, 17 × 13, 3 × 7 = 21, 1 + 2 = 3, 3 × 3 = 5, 0 इधर, 7 = 1, 1 + 2 = 2, ये हो गया ट्रेडिशनल वे। अब हम इसको और थोड़ा आसान तरीके से करेंगे। चल भाई साफ हो जा। हाँ क्या था, 13 17, चलो 13 और 17 ही लेते हैं। तो पहले क्या करेंगे, ये नंबर और ये नंबर को का गुणा करेंगे और ये नंबर और ये नंबर का गुणा करेंगे। 1 × 1 = 1, 3 × 7 = 21। अब क्या करेंगे, ये दो नंबर और ये दो नंबर को गुणा करेंगे और उसका प्लस निकाल देंगे, जैसे 3 × 3 और 7 × 7, 3 + 7 कितना हो गया, 10। ये पहला यूनिट डिजिट के नीचे कुछ नहीं लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे। अब क्या हो जाएगा, 1 2 2 0 आ गया, 221। अब थोड़ा बड़ा नंबर लेंगे, ये तरीका थोड़ा आसान है, फटाफट करेंगे 5 सेकंड के अंदर मल्टीप्लिकेशन का जो भी रहेगा आपका आंसर आ जाएगा। जैसे अभी लिखा मैंने 74 × 79, अब सेम 7 × 7 = 49, 4 × 9 = 36। अब क्या करेंगे, ये दोनों को 4 × 7 = 28 और 9 × 7 = 63, ये दोनों को जोड़ देंगे, 1 9 यानी 91। अब कितना हो जाएगा, 6 4 8 5, ये आ गया। इसी तरीके से हम किसी भी नंबर का गुणा निकाल सकते हैं। चलो निकालते हैं 3 नंबर का, 123 × 122। ऐसा नंबर लेता हूँ क्योंकि क्या होता है, फिर मेरे को स्क्वायर मालूम है 12 का, तो फटाफट हो जाएगा, समय नहीं खराब होगा। बाकी आप कितने भी बड़े नंबर का निकाल सकते हैं, जैसे 12 × 12 = 144, उसके बाद 3 × 2 = 6 = 06। अब 3 × 12 = 36 प्लस 2 × 12 = 24 कितना हो गया, 60। तो यहाँ 60। अब कर देंगे इसको कैलकुलेट, 60 × 4 = 10 = 0, इधर एक गया, 5 1 15006। अब एक 4 नंबर का निकाल लेते हैं, जैसे 12 × 14 × 95। अब इसमें क्या करेंगे, हम तीनों को हमको साथ में लेना पड़ेगा। कभी भी आपका जो पहला नंबर है खाली एक डिजिट छोड़ के आप दूसरा जितने नंबर है उसको साथ में ही लेना पड़ेगा आपको, तो ये मेथड काम करेगा। जैसे 121 × 9 कितना हो जाएगा, 12 × 9 = 108 और 1 × 9 = 9, मतलब 1089। उसके बाद दूसरा नंबर कौन सा है, 5 × 20। अब क्या करेंगे, 4 × 9 = 36 और ये जो रहेगा 4 × 9 = 36, 121 × 5 कितना हो जाएगा, 1210 का आधा सीधा कितना, 605। 605 अब इसको प्लस कर देंगे, 6 × 5 = 11, 1 3 × 4 = 6, 641। अब इसको हम प्लस कर देंगे, आंसर आ जाएगा 03, 9 × 4 = 13, ऊपर गया 1, 14 × 1 = 15, 5 इधर 1 1।